आपने जो कि दीपक छुआ है, हमारे सनातन धर्म में दीपक छूने के बाद हाथ धो लेना चाहिए, थोड़ा सा जल दे के ऐसे धो लो जैसे अभी धोया था। अब पंचदेव को पुष्प समर्पित करोगे, है ना। पुष्प एक ले लो और उसको पंचदेव को मैं करा रहा हूँ, उसको वो कर लो पुष्प समर्पण, ठीक है ना। पांच पुष्प हो तो पांच पुष्प ले लो, श्री गणेश भगवान को पुष्प समर्पित करो, भोलेनाथ जी को समर्पित करो, माता जी को कर दिया, और सूर्य भगवान को समर्पित करो, नारायण को समर्पित करो और माता जी को समर्पित करो। इसी तरह से अक्षत लेके थोड़ा सा बाएं हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेके मतलब चावल लेके और सब पर ऐसे ऐसे छिड़का दो, अक्षतम समर्पयामि, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना, ठीक है। आप जो है वो जो मिठाई लाए हो उसमें उसको पांच टुकड़ों में करके पांच जगह चढ़ा दो, एक पीस निकालो उसके पांच टुकड़े करके पांच जगह चढ़ा दो। भोग प्रसादम समर्पयामि, श्री गणेश भगवान को, भोलेनाथ जी को, नारायण को, सूर्य भगवान को और माँ दुर्गे को आप इस भोग प्रसादम समर्पयामि, अब प्रणाम कर लो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को दीपक और धूपबत्ती से पहले आरती कर लो, फिर उनका अक्षत वो कर दो, है ना, पुष्प की वर्षा कर दो, ठीक है ना, फिर उनको तिलक लगाना, तो बेटा कभी भी जब भी आरती करोगे ये अली उंगली से कभी ना छूना, ऐसे करके कर। ये अली उंगली है ना अंजलि, ये ऊपर वाली हटा दो, हाँ ये और एक पुष्प को छोटे छोटे टुकड़ों के पुष्पों की वर्षा मतलब ऊपर से नीचे तक पुष्प वर्षा कर दो, पुष्पम समर्पयामि। फिर अक्षत लेके अक्षतम समर्पयामि, चावल ले लो ऊपर से ऐसे पुष्प छोड़ा वैसे अक्षत छोड़ा। अब एक टुकड़ा जो लाए हो मिठाई उसमें से एक टुकड़ा लेके गुरु जी के मुंह में लगा दो, भोग प्रसाद प्रेम से खिलाना, यही टुकड़ा बाद में मैं खा लूंगा, ठीक है ना। भोग प्रसाद वही लोग, अब जो है देखो ये जो है इस वाली उंगली से
है ना, यहाँ पर एक गोल टिक्का लगा देना और ऐसे ऐसे खड़ी लाइन है, ठीक है ना, आपकी फोटो। हाँ पहले फोटो भी करूँ फिर तुम लगा देता, पहले गोल टिक्का प्रियो। हाँ सीधे सीधे दो बार की मूर्ति देखे थे, दो बार ऐसे ऐसे करके जो होता है स्वास्तिक बनने के बाद दो लाइनें खींची जाती हैं। हाँ वैसे ठीक है, बता देना उसको, कभी लगता पूजा किया नहीं, पूजा करो बेटा मेरी लाइन में आए तो मैं तो मार मार के सिखाता हूँ। ये वाली उंगली से ना करते तो ज्ञानी तो बहुत बनते हैं अपने आप को। चिपका देना ठीक है, साइड साइड में दो लाइन कर दो, लंबी खड़ी खड़ी लाइन है तो, और थोड़ा सा अक्षत उसी बीच वाले में अक्षत चिपका दो। दो दो करनी है ना बारा जी, दो दो करनी है ना साइड साइड, एक तरफ दो लाइन करनी है ना, एक तरफ दो दो लाइन करनी है, बीच में टीका इधर 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 दो लाइन, इधर दो लाइन इधर दो लाइन हो गया, इधर वो अक्षत लगाओ जो है उनको जो माला लाए दो उसमें से एक माला चढ़ा दो, अक्षत भी लगाओ ना, चावल लगाओगे अक्षत भी उसमें लगा देना। इसको जो है जो बहती हुई नदी होती है ना उसमें प्रवाहित कर देना, कल आज नहीं, ठीक है, ठीक है। नदी है आसपास कोई नदी हो, नहर हो, नदी तो वहीं जाना पड़ेगा, कौन सी नदी है मैं, ठीक है, जहाँ